हेलो। एक रिक्वेस्ट आई थी मेरे पिछले वीडियो पे, कॉलम जनरेशन पे। एक पर्सन है, सब प्रॉब्लम है, उसमें जो कंस्ट्रेंट है वो कैसे डिफाइन किया गया है, तो ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग है। जो प्रॉब्लम है वो ये कह रही है कि आपकी जो इनिशियल रॉ है उसकी विड्थ 218 सेंटीमीटर की है, 218 सेंटीमीटर्स। वेट, 218 सेंटीमीटर्स की। तो जो आपका रॉ है पूरा पूरा, ये 218 का है, और उस रॉ से आपको अलग अलग फाइनल्स क्रिएट करने हैं जिनकी रेस्पेक्टिव विड्थ 81, 70 और 68 है। व्हाट इट मींस कि ये आपका रॉ हो गया, इसमें जब चॉप करोगे आप, तो सपोज ये 81 हो गया, ये 70 हो गया, ये 68 हो गया, तो कुछ बचेगा भी बाद में इसमें। तो इस तरह के क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, जैसे कि ये आप देखो, ये सारे अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं जो आप इन रॉस से बना सकते हो, कि A1 मीन्स ये है, A2 मीन्स ये, A3 मीन्स ये, कि 81 के अगर काटो काटोगे आप रहो तो इतना वेस्ट निकलेगा। तो जहां भी 68 से ज्यादा वेस्ट बच रहा है वहां से हम 68 का एटलीस्ट तो काट ही सकते हैं। जैसे कि यहाँ हम काट सकते हैं, यहाँ हम काट सकते थे, यहाँ पे इधर। तो हमारी जो सब प्रॉब्लम है, हमें जो उसने कहा है कि जितने रॉज हैं हमें काटने हैं उनको मिनिमाइज करना है, बट कंस्ट्रेंट ये भी है कि जितने रॉज हम क्रिएट कर रहे हैं उससे हमें जो रिक्वायर्ड विड्थ है, नंबर ऑफ जितने नंबर ऑफ फाइनल्स चाहिए रिस्पेक्टिव विड्थ के, वो मिल जाए। तो जो ये कंस्ट्रेंट है ये वही कह रहा है कि यहाँ पे A1 है नंबर ऑफ फाइनल्स दैट वी कैन कट फ्रॉम द रॉ। तो 80 व्हाट कैन हैपन कि ये, एक मिनट सॉरी, तो ये एनोटेशन हट गया। तो ये 81 A1 प्लस 70 A2 प्लस 68 A3 है। यहाँ पे A1 A2 A3 एक तरीके से आपके वो हो गए डायमेंशन होगा जो आप काट सकते हो। जैसे कि ये है, ये एक डायमेंशन हो गई, ये दूसरी, ये तीसरी। तो A1 या तो 1 होगा या तो 2 होगा, 3 हो नहीं सकता क्योंकि 81 3 जा 243 हो जाएगा। तो उस हिसाब से दिट शुड बी लेस देन इक्वल टू 218, दैट इज द फाइनल विड्थ ऑफ द इनिशियल रॉ। जो मैंने पिछली बार वीडियो बनाया था, शायद उसमें मैंने आपको पूरे हर एक इटरेशन शो नहीं की थी, इस बार मैं एक बार शो कर देता हूँ ताकि आपको वो इजी रहे समझने में कि ये हाँ यहाँ हो क्या रहा है। तो जो प्रॉब्लम कह रही है कि 218 सेंटीमीटर का विड्थ है आपकी रॉ की, उससे आपको 81 70 और 68 विड्थ के फाइनल्स काटने हैं, और हमने मान लिया है कि जो फाइनल नंबर होंगे वो A1 A2 A3 होगा। तो जो J है यहाँ पे, वो J आपको एक वो बता रहा है कि कितने एक रॉ से आप कितने फाइनल्स काट रहे हो, क्या क्या काट सकते हो, पॉसिबल कॉम्बिनेशन।
तो ये 14 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, उसमें आपको मिनिमाइज करना है कि आप कितने रॉ काट रहे हो। तो एक कंस्टेंट ये हो जाएगा कि एक्स आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कि कुछ ना कुछ तो काटना ही पड़ेगा। और तरह क्या है, जो उसकी विड्थ है वो जो काट रहे हो और जितनी नंबर ऑफ पैनल्स काट रहे हो उसकी विड्थ फाइनल इनिशियल रॉ से कम ही होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो उसी हिसाब से आपको मिनिमाइज करना है जेड, सच दैट ये जो कंस्ट्रेंट यहाँ बी आई लिखा हुआ है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है, मैंने इक्वल टू लिखा है, उसी हिसाब से वो ग्रेटर देन 44 आया है, ग्रेटर देन 3 आया है, ग्रेटर देन 15 आया है, क्योंकि आपको इनिशियली कहा है कि क्वांटिटी रिक्वायर्ड ए वन के एटलीस्ट 44 आपको चाहिए चाहिए, 70 के 3 चाहिए, 68 के 48 चाहिए। उस हिसाब से आपके ये तीन कंस्ट्रेंट आए हैं। और एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री क्यों आया है, कहाँ से आया है, अब देखोगे इनिशियल, एक आप जो पहली टेबल दे रखी है उसमें से मैच कर सकते हो कि ए वन डायमेंशन का कट आप किससे कर सकते हो, जे वन से कर सकते हो, जे टू से, जे थ्री, जे फोर, जे फाइव से कर सकते हो, बाकी किसी से आप ए वन डायमेंशन का कट नहीं लगा सकते। ए टू आप कहाँ से काट सकते हो, जे टू से काट सकते हो, सिक्स से काट सकते हो, सेवन एट नाइन टेन इलेवन से काट सकते हो, और नाइन टेन इलेवन से आप दो दो और तीन काट सकते हो, बाकी से एक। उसी तरह ए थ्री अगर आपको काटना हो तो एक आप थर्ड से काट सकते हो, फोर्थ से काट सकते हो, सेवन से, एट से, टेंथ से, ट्वेल्थ से, 13 से और 14 से। और भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन अगर होंगे तो आप देखो, बट इससे ज्यादा कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है इस केस में। तो ये आपकी इनिशियल मैट्रिक्स आ जाएगी। और इनिशियल सॉल्यूशन हम सिंपल लेते हैं कि सबका हम ए वन ए टू ए थ्री वन 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 ले लिया, मिनिमाइज किया उसको, फिर प्राइसिंग प्रॉब्लम को हम पी ए इज इक्वल टू सी बी लिया, वहां से हमने पी निकाला इन्वर्स करके। तो जो अब यहाँ पे आएगा हमें ये मिनिमाइज करना है। तो जो दूसरी प्रॉब्लम आ रही है 70 ए टू प्लस 68 ए थ्री, दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 218। यहाँ से हम मिनिमम रेशियो टेस्ट के थ्रू निकालेंगे, पहले फाइनल सॉरी पहले हम सॉल्यूशन निकालेंगे ऑप्टिमल, उसके बाद मिनिमम रेशियो टेस्ट के थ्रू निकालेंगे कि कौन सा हमारा लीविंग वेरिएबल है और कौन सा इंटरिंग वेरिएबल है। इसी तरह हम दूसरे इटरेशन करेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक हमारे एम की वैल्यू 1 नहीं आ जाती है। तो सेकेंड इटरेशन ये हो गई, पहले इटरेशन में एम 3 आया था, दूसरी इटरेशन करोगे आप, ये दूसरी इटरेशन है, अगर आपको कोई डाउट हो इसमें आप मुझे आप दोबारा मेल कर सकते हो, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ये तीसरी इटरेशन है, अभी भी हमारा एम 1 से बड़ा है तो इटरेशन कंटिन्यू होती रहेगी। ये फोर्थ इटरेशन है और फाइनली ये फिफ्थ इटरेशन है। एम यहाँ 1 आ गया तो इटरेशन मस्ट टर्मिनेट, और ऑप्टिमल बेसिस 0302001 02 ये आ गए। और उसके कितने कट लगेंगे वो थोड़ा सा आप खुद से पढ़ लो, वो पता लग जाएगा। और इसका एक और तरीका होता है ब्रांच एंड बाउंड वाला, उसमें क्या होता है, जैसे कि हमने सिंपल ले लिया था 1 1 1 की हम कटिंग कर रहे थे, उससे पता रहे हम कोई और डायमेंशन से शुरू करते हैं तो हमें एक बेटर सोल्यूशन मिलेगा, हमें कुछ इंट्यूटिव, जैसे कि हमारे आप इनिशियल उस पे जाओगे, बॉक्स पे जाओगे और टेबल पे, तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे किस, जैसे कि जे वन में देखो आप बहुत ज्यादा वेस्ट आ रहा है, वहां पे आप चाहो तो एक दो फाइनल्स और काट सकते हो। उसी तरह जे थ्री में भी देखो 68 कट सकता है, जे फोर एक अच्छा ऑप्शन है, जे एट एक अच्छा ऑप्शन है, सिमिलरली जे टेन, जे इलेवन,
जी 14 एक ऑप्शन है, तो जहां पर वेस्ट कम हो रहा है उस जैसी डायमेंशन से आप शुरू करोगे तो आपका जो फाइनल सोल्यूशन है वो जल्दी कन्वर्ज करेगा। तो यहां मैंने वही चीजें एक्सप्लेन की हैं कि पहले इटरेशन मैंने A1 A2 A3 कुछ लिया था, वो मिनिमाइज किया, तो जो मेरी प्राइसिंग प्रॉब्लम आई है उसके बाद हमने नई डायमेंशन ली, और ये प्रॉब्लम मैंने ब्रांच एंड बाउंड से सॉल्व किया है। तो उसमें क्या करेंगे हम कि A1 A2 A3 की मैक्सिमम डायमेंशन क्या हो सकती है और वहां से शुरू करोगे, फिर अगर A2 0 है तो A1 कितना हो सकता है, A3 कितना हो सकता है, उसके कॉम्बिनेशन आप लिखोगे कि A2 0 है तो A3 मैंने दिखाया 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, और अगर उस केस में भी m की वैल्यू क्या होगी आपको वो डिफाइन करनी है। तो जहां m ग्रेटर देन 1 आएगा वो डायमेंशन आप पकड़ोगे, उसको इंसर्ट करोगे और फिर अपना इटरेशन कंटिन्यू करोगे, फिर से मिनिमम रेशियो टेस्ट पे जाओगे और देखोगे कि अब जो सॉल्यूशन आ रहा है वो ऑप्टिमल आ रहा है कि नहीं। ब्रांच एंड बाउंड आप चीजें विजुअलाइज कर सकते हो, और अगर आपका प्रॉब्लम छोटा है तो आप देख सकते हो कि सॉल्यूशन आपका ऑप्टिमल है या नहीं। इसी तरह दूसरा इटरेशन शुरू किया हमने, तो यहाँ पे जो हमारी डायमेंशन आई है वो 2 0 0 आई है, तो जो चीजें मैंने पहले एक्सप्लेन की थी ये भी वही है। और ये आपका फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। ये रिपोर्ट मैं मेरे पास रिपोर्ट है बट मैं इसको पब्लिक नहीं कर सकता, कई रीजंस हैं, बट मैं आपको पर्सनल मेल कर सकता हूँ ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, अगर रिक्वायर्ड हो आपको आप मुझे पर मेल कर सकते हो। तो होप आपकी क्वेरी सॉल्व हुई है, रिजॉल्व हुई है। दैट्स इट, थैंक यू।